नमस्कार, मैं मुस्कान आपका स्वागत करती हूँ न्यूज़ एक्सप्रेस मीडिया डॉट कॉम पर। आज हमारे स्टूडियो में सुधाकर चतुर्वेदी जी आए हुए हैं, तो चलिए उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। सुधाकर चतुर्वेदी जी, हमारा आपसे ये पहला क्वेश्चन है कि मिर्ज़ापुर ज़िले में शिक्षा के स्तर के सुधार के लिए कौन कौन से कदम उठा सकते हैं? नमस्कार। मिर्ज़ापुर ज़िला शिक्षा के क्षेत्र में औसत में बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर दो महाविद्यालय हैं, उन महाविद्यालयों की स्थिति आज ऐसी बनी हुई है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत अधिक पैमाने पर है और शिक्षा का जो पैमाना है, वहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं, बहुत ही खराब स्तर पर हैं। हमारा ऐसा मानना है कि मिर्ज़ापुर में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, विश्वविद्यालय होना चाहिए। विश्वविद्यालय होने से ये दोनों महाविद्यालय संबंध हो जाएंगे और जो सारे युवा हमारे बनारस या इलाहाबाद या दिल्ली पढ़ने जाते हैं, वो मिर्ज़ापुर को चॉइस करेंगे, इसलिए शिक्षा का क्षेत्र यहाँ पर बढ़ जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न यह है आपसे कि व्यवसाय के लिए रोजगार में आप क्या क्या कर सकते हैं? मिर्ज़ापुर के व्यवसाय की उन्नति के लिए यहाँ का जो प्रस्थापित जो व्यवसाय है पीतल उद्योग हो, इसको हाईटेक करने के विचार है। मिर्ज़ापुर को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए और मिर्ज़ापुर को महानगर पालिका के स्तर के लिए प्रयास करेंगे। ये सब हो जाने से यहाँ पर ऑटोमेटिक उद्योग व्यापार का को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को रोज़गार मिलेगा। मेरा अगला प्रश्न यह है कि जातिवाद के दानों से आप लोगों को कैसे समझाएंगे? हमारा मिर्ज़ापुर ज़िला बहुत सारी भ्रांतियों को लेते हुए जातियों में बटा हुआ है। उसका सीधा फायदा एक किसी विशेष पार्टी को होती है, विशेष दल को होता है। यहाँ का जो मतदाता है पूरा जातियों में बटा हुआ है, इस वजह से यहाँ की पार्टियाँ, यहाँ के राजनीतिक लोग उसका गैर फायदा लेते हैं और भ्रमित करते हैं। जाति समन्वय को बैठाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि सभी जातियों के साथ मिलकर के काम किया जाए। तो आप सुधाकर चतुर्वेदी जी, आप हमें ये बताइए कि चुनाव जीतने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। सीधे जनता के पास जा रहे हैं। यहाँ जो पहले प्रस्थापित पार्टियाँ हैं, जो अपना दल है, अनुप्रिया जी ने हैं, उनका विकास नगर है, हम उनके विकास बारे में जनता चर्चा करते हैं और जनता ये जान रही है कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। हम सीधे जनता के पास जाते हैं और उनसे वोट मांगते हैं, हम आपके साथ में हैं, हम विकास करेंगे और एक बार हमको भी मौका दीजिए। इसी साथ हम जनता के बीच जाते हैं और जनता हमारे साथ में है।